बलूचिस्तान के मसाइल नहीं होंगे। कल हमारी एक बहन ने, केच की एक बहन ने कराची में खुद को हमला किया है, मैं उसको अपनी बहन कहता हूँ, तालीमी याफ्ता बहन, आला तालीमी याफ्ता बहन, पढ़ी लिखी बहन, वो क्यों खुद को हमला करती है? कभी इदारों ने सोचा है? कभी तहकीकात की है? कभी इस पे मीटिंग की है? कभी इस पे सर झोंक के बैठे हैं कि एक तालीमी याफ्ता बहन, केज की एक बहन, एमफिल की एक तालिबिल, डबल एमए करने वाली तालिबिल अपने जिस्म पे बम बांधकर कराची में खुदकुश करती है? क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि तुम लोग फोर्सेस एक किलो केज में एफसी वाले एक किलो की कंटेनर नहीं, एक किलो की केज वालों को इजाजत नहीं है कि ईरान से घर ले। एक किलो की एक पूरी आटा उनको इजाजत नहीं है कि घर ले जाए। हाँ, जर्नेलों को इजाजत है, पाकिस्तान दो टुकड़े भी करते उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जर्नेलों कर्नेलों को, कोस्ट गार्ड का कर्नल एक महीने में करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, कोस्ट गार्ड का मेजर महल्ला का मालिक बन जाए, लेकिन बलोच गरीब का एक से काम न करे। जैसे कोस्ट गार्ड वालों को बहुत तकलीफ होती है जब गरीबों को काम करने देखते हैं। हाँ, कोस्ट गार्ड वालों का मंशा क्या है? कोस्ट गार्ड वाले चाहते हैं कि तुम लोग तरियाक का कारोबार करो, चर्स का कारोबार करो, इरविन का कारोबार करो, शराब का कारोबार करो। कोस्ट गार्ड को तकलीफ ये क्या घी का क्यों कारोबार करते, तरियाक का करो। हम लैंड करेंगे, हम आपको लैंड करेंगे, बताएंगे किस रात के किस टाइम शराब उतारना है, ये हमें बता देंगे। रात के कितने बजे तरियाक का कंटेनर किस चेक पोस्ट से गुजरेगा, ये गेट वाले बताएंगे। लैंड करेंगे, शर्म नहीं आती नजारों को। की का कारोबार मने, परसों रात तीन बजे मैं यहाँ से दफ्तर से गया घर, सोया नहीं था। तीन खवातीन घर आई थी रात तीन बजे उनका बोट इन जालिमों ने पकड़ा। माए बता रही थी, मैंने सोना अपना बेचकर अपने बेटे को बोट दिया, इन जालिमों ने उनको पकड़ा रात तीन बजे। अब घर से हमारी बलोच औरतें दिन को घर से निकल नहीं थी, रात तीन बजे वो सुरपंदर आई, रात तीन बजे शहरी के टाइम। ये इन जालिमों जालिम के दिल नहीं है, इनको बहुत मजा आता है, बहुत मजा। कोई कायक पकड़े ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के टैंक पकड़ा है इन्होंने। घी ऐसा पकड़ते जैसे कश्मीर आजाद किया है, पेट्रोल ऐसे पकड़ते कि सियाचिन आजाद किया है। ये रवैये दुरुस्त करो। कल का जो हमारी बहन ने जो खुदकुश किया है, इससे सबक सीखो। ये एक सबक है दारों के लिए, ये सबक है फोर्सेस के लिए। आप बताएं ना, हम ये कारोबार ना करें, हमारे लोग डीजल का कारोबार ना करें, आप बोट इनका पकड़ते हैं, आप इनकी गाड़ियां पकड़ते हैं,
ये काम बताओ, हकम से बताओ, ये काम ना करो, हम आपको सहूलत देंगे, बताओ, हमसे बैठ जाओ, लोग काम नहीं करेंगे।